और कोई कलर ना मिला तुझे? सतरंगी चूहा 2200 का है। ये हाँ तो हेलो गाइस, माय नेम इज रचित गोयल एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल द अनफोकस्ड। और आज मैं एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। जैसे कि आपने देखा मेरे सिनेमैटिक्स एंड मॉम का रिएक्शन, सो उसमें मम्मी ने बोला कि सतरंगी माउस मंगाया, तो यस हमने एक सतरंगी माउस मंगाया है जो कि जिसमें 8 GB भर भर के है, और अगर ज़्यादा 8 GB हो गए तो ज़्यादा FPS आएंगे। सो गेमिंग वाला माउस है एंड ये जो माउस है ये आता है आर्च टेक लैब कंपनी की तरफ से, जो कि मतलब इसके और भी मॉडल्स हैं। ये वाला जो मॉडल है ये रिकर्व 400 है, इसके और भी लाइक पूरी सीरीज़ है, लाइक रिकर्व 100, रिकर्व 200, रिकर्व 300, रिकर्व 400, रिकर्व 500। तो हमारे पास रिकर्व 400 है। सो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसका पूरा रिव्यू बताऊंगा। लाइक अभी तक यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं आई है इसके बारे में, एक बस कंपनी वालों ने खुद ही डाली है वीडियो। सो मैं सोच रहा हूँ यार इसको रिव्यू कर लेते हैं बिकॉज वीडियो शायद चल जाए हमारी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट। मैं अनबॉक्सिंग कर दिखाता हूँ। लाइक पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है, बॉक्स भी बहुत अच्छा है। MRP इस पे पड़ी है अराउंड, MRP देख लेते हैं इसकी, पी है 4500। और ये मुझे माउस मिला है 2200 रुपीज़ का। लाइक 2200 रुपीज़, आई नो बहुत ज़्यादा महंगा माउस है, बट रिव्यू करना था तो भैया मंगा लिया। ठीक है, सो इसका बॉक्स की पैकेजिंग बहुत अच्छी है। बॉक्स निकालते हैं, वही पुस्तक पुस्तकें आती हैं कुछ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है। वी होप वी डिड राइट, ओके, बस थैंक यू का कार्ड है, जैसे कि तुम देख सकते हो। ठीक है, एक वही मैनुअल एंड फिर आता है हमारे माउस। बस अनबॉक्सिंग हो गई इसकी, जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं यार, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो ये रहा माउस, ये थोड़ा सा गंदा हो रखा है बिकॉज मैंने दोबारा पैक किया है इसे। सो बात करते हैं इस माउस की। ये माउस में आते हैं 8 बटन्स, लाइक 8 बटन्स उसमें लिख रखा है अमेजोन पे, बट 8 बटन्स लाइक कोई ज़्यादा कुछ काम के नहीं है, 6 ही बटन। सो मैं बटन्स बताता हूँ तुमको। तो एक बटन ये है, दूसरा बीच वाला, तीसरा ये राइट क्लिक, और चौथे और पाँचवें ये दोनों साइड वाले फॉरवर्ड एंड बैक के लिए जो बटन्स होते हैं जो कि तुम कस्टमाइज कर सकते हो। एंड 3 बटन्स पीछे दे रखे हैं यहाँ पे, एक पोलिंग रेट का, एक DPI का और एक कलर स्विच स्विच ऑफ करने का और ऑन करने का। ठीक है, जिससे कि 8 GB ऑन और ऑफ होती है। सो केबल बहुत अच्छी है, केबल ब्रेडेड मिलती है आपको। एंड इसके अंदर एक ये बांध के रखा हुआ है, इस पर भी मतलब ब्रांडिंग ब्रांडिंग अच्छी कर रखी है। बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, ठीक है, बट जो इसका शेप है ना वो थोड़ा अजीब है। लाइक एक पाम ग्रिप वाला शेप आता है और एक क्लॉ ग्रिप वाला शेप आता है, ठीक है, उन दोनों के बीच का है। ठीक है, सो उसकी वजह से यार थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। सो बट मेरे हाथ के लिए सुटेबल नहीं है बिकॉज मेरा हाथ बहुत बड़ा है एंड ये माउस लाइक उंगलियाँ बाहर निकल जाती है मेरी। सो इसमें आते हैं 6 ब्रीथिंग लाइटनिंग मोड। लाइक जो 8 GB है उसमें ब्रीथिंग मोड है, वो भी अलग अलग है। लाइक 6 मोड्स मिल जाते हैं हमको, मैं वो तुम्हें आगे वीडियो में बता दूंगा कौन सा मोड है। DPI जो मिलता है वो 12,000 हाईएस्ट DPI मिलता है एंड 400 लोएस्ट DPI। एंड पोलिंग रेट वही 125 से 1000 तक तुम चेंज कर सकते हो। तो सब नॉर्मल ही है इस माउस के, बस जो ट्रांसपेरेंट ये जो है लाइक जहाँ पे हमें 8 GB दिखेगी, जहाँ तुम्हें सिनेमेटिक में दिखा होगा, और ऑब्वियसली मैं इसे लगा देता हूँ यार कि अच्छा ही लग रहा है ना इसे, तो जलता हुआ अच्छा लगेगा। तो देखो ये ऐसा है, और अभी तो वाइट कलर आई थिंक डायनेमिक वाला मैंने चूज़ कर रखा है। इसका सॉफ्टवेयर मैं खोल लेता हूँ, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं नियॉन, नहीं कलरफुल, या कलरफुल बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो और इसको हम बंद कर देते हैं। ये जो माउस है मैंने तुम्हें जैसे बताया कि ये पाम ग्रिप एंड क्लॉ ग्रिप के बीच का है। सो यार लाइक प्रोफेशनल गेमिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं है माउस, बिकॉज थोड़ा अजीब ही है और तुम्हें हैबिट में लाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको। तुम्हें लेना है ले सकते हो, स्टाइल के लिए फुल ले सकते हो, स्टाइल मस्त है इसका। ठीक है, क्लिक की साउंड भी अच्छी है। एंड बिल्ड क्वालिटी लाइक अगर तुम इसे गिराओगे तो शायद 4-5 बार बच जाइए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बचेगा बिकॉज ये ऊपर जो है वो प्लास्टिक है। तो इसकी प्लास्टिक बिल्ड है, ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड, हैवी प्लास्टिक है, बट स्टिल ये 4-5 बार गिरेगा अगर टेबल से तो फॉर श्योर टूट जाएगा, कुछ ना कुछ टूट जाएगा। क्लिक्स अच्छा साउंड करते हैं, क्लिक्स आराम से, मतलब लेटेंसी भी सही है, और गेमिंग नॉर्मल गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर किसी को शो ऑफ करना है, लाइक 8 GB वाला माउस चाहिए, उसमें लोगो भी अच्छा चाहिए, आर्च टेक लैब का लोगो बहुत सही है एंड 8 GB बहुत अच्छी है, सो उस वो इंसान ले सकता है। लाइक फन फन के लिए तुमने माउस ले लिया एंड
सेटअप भी बहुत अच्छा लग रहा है एंड नॉर्मल गेमिंग भी करते हैं और कोडिंग वोडिंग करते हैं तो नॉर्मल उसके लिए सही है। प्रोफेशनल गेमिंग जैसे ई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उसके लिए नहीं है भाई ये माउस। जो एक्स्ट्रा बटन्स होते हैं जो हमारे पास फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के बटन्स होते हैं वो यार तुम ढंग से दबा नहीं पाते हो क्योंकि शेप बहुत अजीब सी है तो उसे दबाने में थोड़ा अजीब सा लगता है। लाइक तुम्हारा वो पूरा हाथ नहीं बैठ पाता है उस उन बटन्स पे एकदम से। सो वो एक दिक्कत है। ठीक है बस ये है कि ओवरऑल ये है कि इसमें लाइटनिंग बहुत अच्छी है और ये आता है सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ। उसके साथ हम खुलता है तो इसमें दो मोड आते हैं। ठीक है एक ऑफिस मोड एंड एक गेम मोड। ठीक है तो और फिर एडवांस भी आता है मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे तुम अपने बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हो। ऑफिस मोड मतलब इसमें दो मोड कर सकते हो तुम। ऑफिस मोड में कौन से बटन्स कैसे कैसे काम करने चाहिए क्या उनका एक्शन होना चाहिए लाइक हम साइड वाला बटन दबाएंगे तो उससे क्या एक्शन होना चाहिए। गेम मोड में तुम अलग से सेट कर सकते हो कि गेम खेलते टाइम हमारे माउस के लाइक लेफ्ट और राइट बटन से कैसे काम करना चाहिए जो एक्स्ट्रा बटन है उनसे क्या क्या होना चाहिए वो सेट कर सकते हो। एडवांस में जाके तुम यार बहुत सारी चीज़ें एडवांस में तुम इसकी स्पीड सेट कर सकते हो। डबल क्लिक की स्पीड सेट कर सकते हो। रोलिंग स्पीड की स्पीड सेट कर सकते हो एंड पोलिंग रेट सेट कर सकते हो एंड लाइक फायर की सब बहुत कुछ है चेंज करने के लिए। एंड DPI का अलग अलग है लाइक हम DPI का नीचे से उठा के हम चेंज करना पड़ेगा वो थोड़ा अजीब सा है क्योंकि और सारे माउस में यहीं पर बटन दिया जाता है चेंज करने का DPI का बट इसे नीचे से उठा के फिर उसे दबाना पड़ता है। उसे दबा के तुम अगर चेंज करोगे तो कलर भी चेंज हो जाता है उसके हिसाब से तुम्हें पता लग जाता है कि कौन से DPI पे अभी चल रहा है माउस। ठीक है लाइट में आ जाते हैं। लाइट में तुम ब्राइटनेस इसकी 50% कर सकते हो और 100% कर सकते हो। DPI कलर एंड ये लाइटनिंग मोड्स है यहाँ पे कुछ वो तुम चूज़ कर सकते हो। ब्रीथिंग की स्पीड जो है मतलब ब्रीथिंग इफेक्ट की जो स्पीड है वो कम बढ़ती कर सकते हो। कम बढ़ती मतलब स्लो एंड फास्ट कर सकते हो। एंड इसमें तुम माइक्रो बटन सेट कर सकते हो। लाइक सॉफ्टवेयर तो अच्छा खासा है। एंड हमने सब बातें कर ली हैं। कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो कॉन एक न्यू शेप है सो हैबिट में आने में टाइम लगेगा। ठीक है एंड अभी तक का मैंने ये बेस्ट लुकिंग माउस देखा है लाइक जिसमें RGB इतनी सही लग रही है। लाइक लुक्स के लिए इसे 10 out of 10 दूंगा मैं। ठीक है एंड एक मेजर कॉन बताता हूँ। मेजर कॉन जो इसमें है लाइक ये जो माउस है ना तो मैं ऐसे देख सकते हो यहाँ पे गैप है। ठीक है और इसके अंदर से धूल घुस सकती है लाइक डस्ट पूरी अंदर जा सकती है। सो डस्ट अंदर गई तो ये तो खुलेगा है नहीं। सो इसके अंदर डस्ट तुम ऐसे यार बहुत मुश्किल से साफ़ करने में लाइक छोटा सा ब्रश होगा उससे साफ़ करना पड़ेगा। सो डस्ट के मामले में ये हार गया है माउस क्योंकि इसके अंदर डस्ट घुस गई तो हम साफ़ नहीं कर पाएंगे। एंड बस कंक्लूजन ये था कि यार माउस अच्छा है नॉर्मल फन वन के लिए लेना है और नॉर्मल सेटअप अच्छा दिखाने के लिए और नॉर्मल गेमिंग वाले लोग जो करते हैं नॉर्मल गेमिंग करते हैं उनके लिए बढ़िया माउस है बट थोड़ा कॉस्टली है तो तुम खुद समझदार हो यार तुम्हें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बाकी देख लो यार कैसा माउस तुम्हें लाइक चाहिए। और भी माउस है इस रेट में तो बहुत अच्छे अच्छे माउस है। एक अपना लॉजिटेक का आ जाता है। लॉजिटेक में वो RGB नहीं है इतना बट हाँ मतलब उसमें स्पेसिफिक फीचर नहीं है ट्रांसपेरेंट ग्लास वाला ऐसे RGB वाला नहीं है कुछ बट लॉजिटेक का भी 1500 रुपये में अच्छा खासा माउस आ जाता है। यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो यार शेयर कर दो इस वीडियो को सेलेक्ट ये वीडियो को ना सारे डिस्कॉर्ड सर्वर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब में शेयर कर दो यार। लोगों को पता लगना चाहिए कि कोई बंदा है जो कि न्यू न्यू चीज़ें लेके आ रहा है एंड उनको रिव्यू कर रहा है एंड इतने डिटेल में रिव्यू कर रहा है। कोई भी ना इतने डिटेल में नहीं करता जैसे कि मैंने अपने लैपटॉप का रिव्यू करा था बहुत डिटेल में बहुत सब टेस्टिंग करी। इस पर भी मैंने बहुत टेस्टिंग करी लेकिन मैंने ये माउस मेरे पे अराउंड 10 तारीख को आ गया था और आज 16 है तो मैं पूरे 6 दिन माउस चलाया अच्छे से तब मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। सो बस सब्सक्राइब कर लो लाइक कर दो वीडियो को एंड शेयर कर दो वीडियो को एंड कमेंट करके जाना बिकॉज कमेंट कर दोगे तो रीच पड़ती है वीडियो की। ठीक है सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।